मध्य प्रदेश के जबलपुर में पिछले दिनों एक लड़की ने घर से भागकर निकाह कर लिया था। परिवार के लोगों ने समझाया बुझाया, इसके बाद भी बेटी मानने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद परिवार के लोगों ने नर्मदा नदी के किनारे जाकर बेटी का पिंडदान कर दिया। इसके लिए शोक संदेश भी छपवाया गया है। साथ ही पिंडदान के बाद रविवार 11 जून को लोगों को मृत्यु भोज में बुलाया गया है। परिवार ने कहा कि पिता चाहते थे कि हम अपनी प्यारी बेटी का कन्यादान करें, उसने उनकी बात नहीं मानी और जाकर निकाह कर लिया, इसके बाद पिंडदान किया। दरअसल पूरा मामला जबलपुर जिला स्थित गोहलपुर के अमखेरा गांव का है। गांव की रहने वाली एक युवती ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मोहम्मद अयाज से अप्रैल 2023 में कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद मुस्लिम रिवाज के साथ निकाह का आयोजन भी किया गया। निकाह का कार्ड वायरल हो गया, उसमें युवती का नाम बदल दिया गया था। निकाह के कार्ड पर उजमा फातिमा नाम लिखा हुआ था, साथ ही नीचे में उसके पिता का नाम लिखा था। इसके बाद परिवार बहुत आहत हुआ। परिवार का कहना था कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जानबूझकर ऐसा कार्ड प्रिंट करवाया गया था। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।